फिल्म की शुरुआत एक ऑफिस के सीन से होती है जहां कई कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कुछ कागज पर नोट्स लिख रहे हैं जबकि अन्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। जैक भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, तब उसकी आंखें अचानक उसके पास की दीवार पर कुछ देखती हैं। उसे यह बहुत ही अजीब लगता है और वह अपने लैपटॉप और दीवार को आगे पीछे देखता रहता है। आश्चर्यजनक रूप से लैपटॉप माउस का कर्सर उसकी लैपटॉप स्क्रीन के बाहर दीवार पर मूव कर रहा होता है। जैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है और जब वो लैपटॉप के टचपैड पर अपनी उंगलियां घुमाता है तो दीवार पर कर्सर हिल जाता है। यह देखकर वो उत्साहित हो जाता है। फिर वो यह जानने के लिए चारों ओर देखता है कि ऑफिस में कोई उसे देख तो नहीं रहा है। जैक सोचता है कि क्या माउस कर्सर का लैपटॉप के बाहर रियल लाइफ में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। वो टचपैड के माध्यम से कर्सर को दीवार से नीचे लाता है। फिर वो अपनी टेबल पर पेपर कप की ओर पॉइंट करता है और टचपैड में बटन को टैप करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, पेपर कप गिर जाता है और चाय टेबल पर फैल जाती है। इससे और लोगों का ध्यान उसकी ओर आता है। जैक उनसे माफी मांगता है और टेबल साफ करने की एक्टिंग करता है। पेपर कप के साथ इस सफल एक्सपेरिमेंट के बाद वो खुश हो जाता है। जैक फिर चारों ओर देखता है और कसर के साथ प्रयोग करने के लिए एक और चीज ढूंढता है। वो अपनी मेज पर एक लेटर देखता है और एरो को लेटर की तरफ मूव करता है। जैसे ही वो इसे अक्षर के चारों ओर घुमाता है, एरो टाइपिंग कसर में बदल जाता है। लेटर जैक के काम पर देर से आने के लिए जुर्माना काटने के बारे में है। जैक उस पर कसर क्लिक करता है, वर्ड्स को हटाता है और लिखता है कि उसका बॉस चमन चुतिया है और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहता है। ऐसा करने के बाद वो लेटर को अपने हाथ में लेता है और मुस्कुराने लगता है। ऑफिस में अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद जैक अपने हाथ में लैपटॉप के साथ बाहर निकलता है। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसने देखा कि बगल के कमरे में एक खूबसूरत लड़की काम कर रही है। वो उसके कमरे के सामने कुर्सी पर बैठता है जहां से वो उसे देख सकता है। फिर वो लैपटॉप पर काम करने का नाटक करता है लेकिन चुपके से उसकी तरफ देखने लगता है। जैक धीरे धीरे कसर को लैपटॉप से बाहर लड़की के कमरे के अंदर उसकी टेबल पर ले जाता है और लड़की जब पेपर्स देखने के लिए मुड़ती है तो जैक की नज़र उसकी स्कर्ट पर पड़ती है। धरकी जैक कसर के एरो को लड़की की ड्रेस में भेज देता है और पैड पर क्लिक करता है। जब वो ऐसा करता है तो महिला हैरान रह जाती है। वो नीचे कुछ महसूस करती है और धीरे धीरे सांस लेती है। थरकी जैक माउस पैड को रगड़ना शुरू कर देता है और लड़की का रिएक्शन देखने के लिए झांकता है। लड़की जोर से सांस लेने लगती है और अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देती है। वो आनंद की चरम सीमा पर पहुंच जाती है और कराहना शुरू कर देती है। जैसे ही जैक माउस पैड को और तेजी से मूव करता है, लड़की से कंट्रोल नहीं होता और जल्द ही बाथरूम में चली जाती है। यह देखकर जैक मुस्कुराता है। ऑफिस के अंदर अपना थरकीपन दिखाने के बाद जैक अपने दोस्त के पास जाता है जो दो महिलाओं से बात कर रहा है। वो अपने दोस्त डेविड को उसके साथ छत पर ले जाता है और उसे सामने वाले बैंक के बोर्ड पर लिखे नॉर्डन क्रेडिट बैंक को बदलकर नुबड़ा, जोकर और बेवकूफ लिख देता है और उसे लैपटॉप का जादू दिखाता है। डेविड घबरा जाता है और उसे पास में खड़ी कार में कुछ करने के लिए कहता है। जैक प्रोग्राम खोलता है और कार के आकार को कम करके उसे एक टॉय कार बना देता है। डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और उससे कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है और वे इस लैपटॉप से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही डेविड बड़बड़ाना जारी रखता है, जैक एक घर की दीवार को कॉपी करता है और उसे खिड़की पर पेस्ट करके बंद कर देता है। यह देखकर डेविड जैक से कहता है कि इस लैपटॉप से वो किसी भी बैंक की तिजोरी को खोल सकते हैं और इसके जरिए कहीं भी जा सकते हैं। यह सुनकर जैक ने डेविड को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। डेविड जैक को समझाता है कि वे किसी भी बैंक में जा सकते हैं और बैंक को नष्ट करने की धमकी के साथ बैंक मैनेजर को उन्हें पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसे सुनने के बाद जैक के चेहरे पर एक अजीब सी नजर आती है, जिसका मतलब कि जैक को डेविड का प्लान पसंद नहीं है। नीचे जमीन में कार का मालिक लौटता है और उसे अपनी कार नहीं मिलती। हालांकि जब वह नीचे देखता है तो वह अपनी कार के समान एक छोटा सा खिलौना देखकर चौंक जाता है। इस बीच डेविड और उतावला हो जाता है और कहता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो साझा करता है कि वे किसी तक भी पहुंच सकते हैं और सभी अपराधी, राजनेता और पुलिसकर्मी उनके आदेशों का पालन करेंगे। जैक अब डेविड से डरने लगता है और लैपटॉप की ओर देखता है। वो सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करता है और माउस कर्सर को घुमाकर डेविड के शरीर को फ्रेम करता है। डेविड इस बात से अनजान है और कहता रहता है कि अगर कोई उन पर हमला करने के लिए आता है तो वे उन्हें मिटा देंगे। बौखलाया हुआ डेविड डिलीट बटन दबाकर सेना को मिटाने की बात भी करता है। जब डेविड सेना को मिटाने के बारे में कहता है तो जैक चौंक जाता है। जैसे ही डेविड जैक की ओर देखता और बात करने के लिए अपना हाथ उठाता है, जैक कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स बटन दबाता है जो चुने गए ऑब्जेक्ट को काटने का कमांड देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, डेविड का हाथ कसके सिलेक्टेड एरिया से निकल जाता है और शरीर के गायब होने पर यह शरीर से अलग हो जाता है। जैक डर जाता है और बिना पलक झपकाए घटना को देखता है। डेविड का कटा हुआ हाथ नीचे खड़ी एक कार के ऊपर गिरता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। यह देखकर लोग तुरंत कार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कटे हुए हाथ को देखकर घबराने लगते हैं। वे पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चिल्लाते हैं। जैसे ही जैक छत से नीचे देखता है, अचानक लोग उसे देखते हैं और कहते ही ये सब जैक ने किया है। वे उसे खूनी कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। वे बार बार उसे छत से नीचे उतरने के लिए भी कहते हैं। लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैक घबरा गया।
वह अपना लैपटॉप पकड़ता है और प्रोग्राम खोलता है। फिर जैक नीचे देखता है और लोगों की भीड़ और कार सहित पूरे एरिया को सेलेक्ट करता है। जैसे ही भीड़ उस पर चिल्लाती है, वो कट कमांड दबाता है और तभी सभी लोग, कार, हाथ और खून तुरंत गायब हो जाते हैं। डेविड यह देखकर खुद हैरान हो जाता है। वह अपना लैपटॉप बंद करता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया है। अपने ऑफिस पर कहर बरपाने के बाद जैक उस लैपटॉप को साथ लेकर सड़क पर पैदल आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो चलता है, वो घबराहट में आगे पीछे देखता रहता है। कुछ ही देर बाद उसके सामने से एक कार आती है। जैक अपना हाथ दिखाता है और गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जैक ड्राइवर से कहता है कि वो जल्द से जल्द शहर से बाहर जाना चाहता है। ड्राइवर ने उसे मना कर दिया और उसे बताया कि वहाँ ट्रैफिक बहुत खराब है। जैक विनती करता है और कहता कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो देगा, लेकिन ड्राइवर उसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ता है, जैक अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कार उसकी नजरों से दूर हो जाती है, वो लैपटॉप को बंद कर देता है। आखिरी सीन में जैक आगे बढ़ता रहता है और एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की दीवार पर एक बड़ा माउस एरो मंडरा रहा है। जैक डर जाता है और पता करने के लिए चारों तरफ देखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सड़क पर कसर एरो को अपनी ओर इशारा करते हुए देखता है। जैक डर के मारे हौंफने लगता है। जैसे ही वो धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटता है, कसर उसकी ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। जैसे ही वो आसमान की ओर देखता है, कसर क्लिक करता है और वो जमीन पर कुचला जाता है और चारों ओर खून ही खून हो जाता है। इससे पता चलता है कि किसी और के पास भी जादुई लैपटॉप है। उसे खत्म करने के बाद कसर हिलना शुरू कर देता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें।